विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी महत्वपूर्ण बैठक 10 अक्टूबर की देर में शुरू होने वाली है। विभिन्न नेता पहुंच चुके हैं। बैठक दिल्ली में हो रही है। 2024 के चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी अधिकतर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन असहमति की आवाज है। कई नीतीश को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग हो रही है, तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि पहले किसी संयोजक को बनाओ तो बात बने। माना जा रहा है कि आज सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। 2024 में क्या सभी विपक्षी दल एक साथ साझा प्रचार अभियान करेंगे, इस पर भी चर्चा है। इसके अलावा गठबंधन का ऑफिस सचिवालय कहां होगा, गठबंधन का संयोजक कौन होगा, गठबंधन का लोगो झंडा क्या होगा, इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में इस बार 15 विपक्षी दल सम्मिलित हो रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस समय सीधे इस इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही है वहां से मौजूद हैं। कुणाल, इतने सारे प्रश्न हमने उठाए, आपको लगता है सब पे सहमति बन पाएगी या जो स्थिति आज है वो आगे हमें देखने को वही मिलेगी? देखिए, सहमति बननी मुश्किल है। इस बीच हम थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि माहौल गर्माने लगा है। लगातार यहां से नेताओं के आने जाने का सिलसिला चल रहा है। गाड़ियां आ रही हैं, काफिले आ रहे हैं, और जो मुख्य नेता हैं, अशोका होटल का ये वेन्यू है, यहां पर गाड़ियां लगातार आ रही हैं। माहौल गठबंधन की बैठक का बन रहा है, लेकिन जो सवाल है वो बड़ा यही है कि क्या बड़ी चीजें हैं, चाहे वो कन्वेनर के सवाल को लेकर के हो, सीट शेयरिंग के मसले को लेकर के हो, और फिर केवल सीट शेयरिंग नहीं बल्कि लोगों क्या रहेगा, तमाम चीजें कैसे सुलझेंगी, उन तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस का कद क्या रहेगा, जो राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद इन सारी चीजों पर भी नजर रहेगी। तो मुमकिन है कि कुछ एक चीजों पर बात बने, लेकिन सारी चीजें इस बैठक के बाद दुरुस्त हो जाएंगी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आक्रामक तेवर अपनाया हुआ है कांग्रेस के सहयोगी दलों ने, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, हर तरह से उनकी तरफ से ये बात कोशिश की जा रही है कहने की कि कई सारी चीजों को काफी पहले तय किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और इसमें बिल्कुल जो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है कांग्रेस का, वो सबसे बड़ी बाधा रही है। तो आज कांग्रेस दबाव में रहेगी क्योंकि नतीजे उसके हिसाब से नहीं आए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी रहेगा कि अगर कांग्रेस को पर दबाव है तो कांग्रेस कितना कंसीड करती है, कितना मानती है कि वो गठबंधन में एक तरीके से बैकफुट पर जाए। किन किन राज्यों में महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है या फिर बंगाल है, दिल्ली है, पंजाब है, जहां गठबंधन काफी मजबूत है और पॉलिटिकल लिहाज से भी ये सारी पार्टियां बहुत मजबूत हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे और कोई पार्टी हो। इस बीच में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो नेता हैं महाराष्ट्र के नेता शिवसेना के, वो भी यहां पर इस समय पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो गई है गेट पर, क्योंकि दल जो है वो 27 दल है, लेकिन अंदर क्या इसी तरीके से लॉक जाम बना रहेगा, क्या वहां पर जो एक कहते हैं ना कि आइस ब्रेक होगी कि नहीं होगी, यहां पर तो थोड़ी सी लग रही है कारों में गाड़ियां खड़ी है अंदर जाने की बारी है, अंदर क्या स्थिति रहेगी इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। कुमार कुणाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुणाल, क्या भविष्य देखते हैं आप इंडिया गठबंधन का? देखिए, भविष्य बहुत कुछ तय होगा आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में कई सारी पार्टियां जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं है गठबंधन के अंदर ही, चाहे वो अखिलेश हैं, वो बोल जरूर रहे हो कि किस तरीके से गठबंधन होना चाहिए, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, सब चीज बात चल रही है, लेकिन एक कमान कांग्रेस के हाथ से किसके हाथ में दी जाए इस पर भी भविष्य तय होता है। साथ ही साथ हर सीट पर एक केवल उम्मीदवार उतारा जाए। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जब जहां बैठक हो रही है वहां पर कांग्रेस का झंडा एक समर्थक जो है जो हर रैली में रहते हैं वो लहराए जा रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बाकी 27 दलों की भी है। और ये जो अभी तमाम बयान हम सुन रहे थे, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, ममता बनर्जी का हो, या फिर शिवसेना की तरफ से बयान आ रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि बहुत सारी चीजें अभी भी तय होनी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ तय हो चुकी है। और अगर आज के बाद अगर देर होती है तो फिर
कहीं ना कहीं इन्हीं गठबंधन दलों के बीच में थोड़ी सी जो बेचैनी है। अच्छा कुणाल, ये बताइए, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मुकुल वासनिक, क्या वो कोई और रास्ता, इन तीनों को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी क्या है, उसका काम क्या होगा? देखिए, कमेटी अभी बनाई गई है। इस कमेटी का काम हमें अभी थोड़ी सी देर में, कई सारी चीजें हैं जिसमें 5 मेंबर की कमेटी है, उसका अलायंस तय करने का काम है। उसमें कई सारे लोग हैं जिसमें अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, साथ ही साथ मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, ये है जिसमें कन्वेनर मुकुल वासनिक को बनाया गया है। ये 5 एक तरीके से हाई लेवल की कमेटी बनाई है अभी अभी कांग्रेस ने। उसमें ये तय किया जाएगा कि किसके साथ किस तरीके से ये पूरा जो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो, क्योंकि अभी गठबंधन को लेकर के ही है, तो एक तरीके से ये इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी चुनाव हारे हैं, उनको लाने की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि बाकी जो घटक दल हैं उनके साथ आप बैठिए, उनके साथ तालमेल कीजिए, और ये 5 सदस्यों की जो कमेटी होगी वही ये तय करेगी कि किस किस राज्य में कितनी सीटें कांग्रेस लड़ेगी और कौन कौन सी सीटें लड़ेंगी। ये नहीं है कि कितनी सीटें लड़नी है, कौन कौन सी सीटें हैं, विनेबिलिटी भी है। जी कुणाल, महत्वाकांक्षा का क्या, क्या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और दूसरे सहयोगी, उनकी महत्वाकांक्षा का क्या होगा? देखिए, महत्वाकांक्षाओं की ही लड़ाई है गठबंधन, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, और सबको पता है कि सामने नरेंद्र मोदी की बड़ी मुश्किल चुनौती है। ऐसे में महत्वाकांक्षाएं बेशक सारे पार्टियों की हो, लेकिन अभी सब जहां तक हमारी बात हुई सब यही कह रहे हैं कि पहले तो चुनाव जीतना नहीं, हराना किसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने जो चुनौती है जिसके साथ आपको दो दो हाथ करना है वो बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी की है। तो पहले नरेंद्र मोदी हारेंगे तब कोई महत्वाकांक्षा की बात होगी, इसीलिए अभी कन्वेनर बनाने तक ही महत्वाकांक्षा सीमित है। एक बात और है कि कन्वेनर बन जाता है, क्या कन्वेनर ही सर्वे सर्वा होगा, क्या वही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? ऐसा भी हमारी जो तमाम घटक दलों से बातचीत हुई है कि कन्वेनर सिर्फ कन्वेनर का काम करेगा, उसका ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो किसी को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है जो वाकई आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये तमाम चीजें उस परिस्थिति में देखनी पड़ेंगी कि क्या चेहरा प्रोजेक्ट करना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने, कोई विकल्प का चेहरा प्रोजेक्ट करना क्या मजबूरी है, ऐसे में कैसी स्थितियों में क्या कुछ होगा वो नजर होगा। तो इस समय महत्वाकांक्षाएं हैं, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं, सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी को भी के मन में भी है कि वो लीड करें, नीतीश कुमार ने भी पहले शुरुआत की थी, उनके पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगा करके और अलग अलग मंचों पर, यहाँ पर ठीक है, आपने जब ये प्रश्न उठा दिया कुणाल, नीतीश कुमार ने की थी तो उन्हें मिलना चाहिए। ममता बनर्जी का आपने उल्लेख कर दिया, अब भाई जेडीयू के की तरफ से तो साफ मांग उठ गई ना कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाओ, तभी इंडिया गठबंधन की कोई सार्थकता है, और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं सारथी कौन, तो क्या आपको लगता है कि जब तक वो चेहरा तय नहीं होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तब तक इस गठबंधन पर संकट के बादल रहेंगे और संशय की दृष्टि से आप और हम देखेंगे? कुणाल, देखिए, अब चेहरा एक तरीके से ममता बनर्जी ने कल ही कहा है कि चेहरा नहीं घोषित करेंगे और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला लिया जाएगा। इस बीच हम अपडेट भी आपको देते चले, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, साथ ही साथ नीतीश कुमार, सबके सब मीटिंग में पहुंच गए हैं, तो सारे लोग इस समय मीटिंग में पहुंच गए, अंदर शुरुआत हो गई है। लेकिन चेहरे को लेकर के यही बात मैं कह रहा था कि संयोजक का चेहरा देने की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरे पे क्या संयोजक ही रहेगा, ये बिल्कुल साफ तौर पर मना किया है नेताओं ने कि संयोजक का चेहरा अगर घोषित कर भी दिया जाता है तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा, वो सिर्फ गठबंधन को कोऑर्डिनेट करके तो कैसे आगे बढ़ेगा ये होगा, क्योंकि पता है विपक्ष को भी कि नरेंद्र मोदी के जी सॉरी मैं आपको बीच बीच में रोक रहा हूं क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है और हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपसे सारी बात समय रहते पूछ लें। तो क्या आज हम ये माने कि सीट शेयरिंग को लेकर ही बात होगी कुणाल?
दोबारा सवाल दोहराइएगा, क्या आज की इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर ही बात होगी कुणाल? बिल्कुल बिल्कुल, सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दे में से एक है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, क्या एक नेशनल लेवल पर होगा, क्या एक बड़ी जो तस्वीर है हम दिखाते चलते हैं कि गाड़ियां भी आती जा रही हैं, अब मीटिंग लगभग शुरू होने वाली है, यहां पर थोड़ी जो पहले स्थिति थी वो थोड़ी बदलती हुई दिख रही है, अब गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं, मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, लेकिन जो आप कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण पेंच फंसा हुआ है, उसमें यह है कि क्या एक नेशनल लेवल पर सीट शेयरिंग होगी या राज्य स्तर पर होगा। उम्मीद की जा रही है कि आज सीट शेयरिंग पर कोई फैसला हो जाए कि कौन कितनी सीट लड़ेगा, ये नहीं होगा, लेकिन जो अभी बात आई है जैसे 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, ऐसे ही अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी कमेटी बना सकती हैं, हो सकता है कि राज्य स्तर पर भी कमेटियां बना दी जाएं, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार बाकी राज्यों के लिए भी कमेटियां बनाई जाए, वो अपने राज्य स्तर पर जितने भी घटक दल है उनसे बैठ करके ये तय करें कौन कितना लड़ेगा, कितनी सीट लड़ेगा। कुणाल, आपको लगता है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस अब सीट शेयरिंग को लेकर बैकफुट पर होगी या उतनी आश्वस्त कॉन्फिडेंट नहीं होगी जितना जब उसकी सरकार यहां पर थी 2 राज्यों में तब थी? बिल्कुल, बार्गेनिंग पावर जो है वो विपक्ष जो बाकी दल हैं जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा है उनकी बढ़ी है, इस पे कोई दो राय नहीं है, ये जो 3 राज्यों में चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं रहे हैं कांग्रेस के, इसने एक कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो की जो महत्ता थी इस पूरे गठबंधन के अंदर उसको कम किया है और ये अब प्रेशर बन रहा है कांग्रेस पर और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कि आप अपने दम पर चुनाव लड़ने का या आप अपनी सीट को बार्गेनिंग करने का, वो बार्गेनिंग पावर काफी कम हो गई है, यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि आप जिन राज्यों में बाकी दल क्षेत्रीय दल बड़े हैं जैसे कि ममता बनर्जी बड़ी हैं बंगाल में, इसके अलावा अखिलेश उत्तर प्रदेश में, नीतीश या तेजस्वी लालू यादव बिहार में, वहां पर बहुत ज्यादा सीटें मांगे ना कांग्रेस, क्योंकि वहां विनेबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिद पर अपने कद पर अपने इतिहास पर सीधे सीट नहीं मिलेगा, यहां पर विनेबिलिटी दिखाइए और नंबर वन देख एक भी बात आ रही है कि जो यहां पर जो सांसद हैं जो सिटिंग सांसद हैं उन्हें तो आप सीट दे दीजिएगा, नंबर 2 का भी फॉर्मूला है कि नंबर 2 पर जहां पर सांसद आए थे वहां पर किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, लेकिन उसके अलावा जो सीटें हैं उसको लेकर के अभी मामला पेच फंसा हुआ है, उस पर बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये तमाम चीजें आज डिस्कशन के लिए जरूर आएंगी बैठक के दौरान। कुणाल, न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपको लगता है कि वो भी महत्वपूर्ण है, उस पर बात होगी? देखिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा लेकिन आज की बैठक का मुद्दा नहीं है, पहले देखिए तमाम कमेटियां बनी हैं उनकी बैठक नहीं हो पाई, जब पिछली बार मुंबई में बैठक हुई थी ना वहां पर कमेटियां बनाने की बात हुई थी, उसमें यह भी बात हुआ था कि हम साझा प्रवक्ता जो टेलीविजन चैनल है वहां पर जो डिबेट होती है उसमें भेजा जाएगा, ये तमाम चीजें हो नहीं पाई, तो कई सारी चीजें जो तय हुई थी पहली मीटिंग में पिछली 3 मीटिंग्स में उसको अमल में नहीं लाया गया है, तो अभी मुझे लगता है जो कि आज जो मुख्य तौर पर है कि एक तरीके से गठबंधन यह तय करेगा कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होना चाहिए या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, फॉर्मूला ना भी हो तो प्रक्रिया को एक तरीके से तय कर ली जाए, उसके बाद आने वाले दिनों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम किस तरीके से होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की जो इसमें कई सारी चीजें हैं स्टेट लेवल पर भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हो सकता है कमेटी बनाई जाए, कमेटी की घोषणा हो सकती है, लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम अभी आने में काफी समय लगेगा, पहले सीट शेयरिंग होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग के बिना गठबंधन आगे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, यही इस पर ही सवालिया निशान है।